बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक। ये जी मैं मूंगरे काट रही हूँ, इनको अच्छी तरह से मैं चुन के तो फिर उसको काट रही हूँ। काटने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से धोऊंगी, धोने के बाद मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी और इनको कल बनाऊंगी। ये मूंगरों की हेड और टेल जो है वो मैं काट के फिर उसको साफ़ कर रही हूँ और फिर मैं इसको काट रही हूँ। हेड और टेल जो है उसको अलग कर रही हूँ फिर काट रही हूँ। मूंगरे मैंने काट लिए, इसको मैं जो है ना अब फ्रीज कर दूंगा। ये है जी प्याज कटे हुए, ये लहसुन है ग्रेट किया हुआ, ये हल्दी है ग्रेट की हुई, ताज़ा हल्दी, ये गीली हल्दी है, इसको ग्रेट कर लिया है मैंने। ये टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है और आलू है, काट लिए हैं मैंने, छील के धो के और उसको काट लिया है। ये प्याज़ों को मैं हल्का सुनहरी कर रही हूँ, लाइट गोल्डन। यह मैं इसमें ग्रेट की हुई हल्दी और लहसुन डाल रहा हूँ। हम इनको अच्छी तरह से भून के फिर मैं इसमें दूसरे मसाले डालूँगा। ये नमक और मिर्च है, हल्दी मैंने पहले ही ग्रेट करके डाल दी थी लहसुन के साथ। ये धनिया पाउडर है, इसके पानी डाल के इसे हल्का सा भून दें। ये है सब्ज धनिया जिसको मैंने काट के धो के अच्छी तरह से यह रखा हुआ है, पानी डाल के। ये अब मैं मसाले में टमाटर डाल दूँ, मसाला भून चुके हैं। और ये हैं वो मूंगरे जो मैंने कल साफ करके इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मसाला भून चुका है, अब मैं ये मूंगरे जो है ना वो मसाले में डाल दूँगा और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगा, क्योंकि तो मूंगरे जो है थोड़े से देर से जलते हैं और आलू जल्दी गल जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा बना पका के फिर मैं इसमें जो है आलू डालूँगा।
वैसे भी ये फ्रीज किए हुए हैं, इसलिए फिर अच्छी तरह से थोड़ा सा ये पक जाएंगे, फिर मैं आलू डालूंगा इसमें। ये सब्ज़ मिर्च है, इसमें मैं काट के डाल रही हूँ। या मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरह से भून के मैं उसको पानी डाल दूँगी और उसको पकने के लिए रख दूँगी। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, हमारे आलू और मोंगरे तैयार हैं, पक चुके हैं।